संजीव नगर थाने में सम्मान अभियान का शुभारंभ। महिलाओं एवं युवतियां और बच्चों में आत्मसम्मान की भावना जगाने का अभियान। महिलाओं युवतियों और बच्चों की रक्षा के लिए पुलिस द्वारा सम्मान अभियान को शुरू किया गया है। संजीवनी नगर थाना पुलिस द्वारा सम्मान अभियान को आरंभ किया गया। थाने में इलाके की समस्त एनजीओ और वरिष्ठ नागरिकों तथा महिलाओं की एक बैठक का आयोजन सम्पन्न हुआ। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं युवतियों और बच्चों के से डर को दूर करना है और उनमें सुरक्षा की भावना को जगाना है, जिसके लिए पुलिस ने जन जागृति लाने का फैसला लिया है, जिसके लिए सम्मान अभियान को आरंभ किया गया है। पुलिस विभाग द्वारा सम्मान अभियान आरंभ कर दिया गया है। यह अभियान 26 जनवरी तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत समाज में महिलाओं युवतियों और बच्चों के दिलों से डर दूर करने का काम किया जाएगा और असामाजिक तत्वों को भी इस दौरान चिन्हित करने का काम किया जाएगा। आज महिलाओं को जो आप बैठक करते हैं ये पूरे मध्य प्रदेश स्तर पे आज से एक अभियान प्रारंभ हुआ है, सम्मान अभियान, जिसके अंतर्गत हमारे थाना संजीवनी नगर क्षेत्र में हमने अपने थाना क्षेत्र से आज अभी से इस अभियान का प्रारंभ किया है। जो हमारे गणमान्य नागरिक हैं, हमारे थाना क्षेत्र के एनजीओस हैं, जिनके सपोर्ट से आज से हम ये अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। इस अभियान का हमारा उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा के लिए जागरूक करना है, दूसरा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को सचेत करना है और इसमें समाज की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसलिए आज हमने यहाँ पे सभी को आमंत्रित किया है कि हम इस अभियान को समझें और इस अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं। कब तक चलेगा ये अभियान? ये अभियान 26 जनवरी तक कंटिन्यू रहेगा, जिसके अलग अलग आउट वो है कि कब क्या करना है। तो हम अपने क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर के, ये गणमान्य नागरिकों के साथ मिलकर के हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा अभियान सफल हो और जो हमारी महिला और बच्चियां हैं उनको अंदर एक सुरक्षा की भावना जागृत हो। अब अपने नाम? मैं भूमेश्वरी चौहान, थाना प्रभारी संजीवनी नगर। कैनन न्यूज़ के लिए जबलपुर से कपिल दुबे की रिपोर्ट।